दूसरे सीरो सर्वे के बाद आईसीएमआर का दावा, अगस्त तक हर 15वां भारतीय कोरोना की चपेट में आ चुका था। हाथरस गैंगरेप में पीड़िता की मौत के बाद दिल्ली में भीम आर्मी का प्रदर्शन, पीड़िता का गांव छावनी में तब्दील हुआ, नेताओं की आवाजाही रोकी गई। हाथरस गैंगरेप के बाद विपक्षी दल योगी सरकार पर बरसे, कांग्रेस ने कहा महिला अपराध में यूपी नंबर 1। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को नहीं दिया गया था जहर, एम्स के डॉक्टरों ने जहर की आशंका को खारिज किया। मिजोरम में बीएसएफ ने हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा, 3 संदिग्धों से एके सीरीज की 28 राइफल, AK-47 और 28 मैगजीन बरामद। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान, 3 नवंबर को वोटिंग और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। चीन ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के गठन को अवैध करार दिया, कहा हम नहीं देते मान्यता। गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव करवाने के पाकिस्तान के ऐलान पर भारत ने आपत्ति जताई, कहा पाकिस्तान का कब्जा अवैध। और टीवी एक्टर अक्षत उत्कर्ष मुंबई के अंधेरी एरिया में अपने फ्लैट में मृत मिले, परिवार ने हत्या की आशंका जताई।